हेलो everyone, वेलकम बैक टू my चैनल आई होप यू all आर डूइंग ग्रेट सो today इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू शॉर्ट sentences दैट यू कैन यूज विद योर किड्स सो नंबर वन सेंटेंस मुझे दिखाओ शो मी ये वाला दिस वन वो वाला दैट वन मेरी बात सुनो लिसन टू मी कोई बात नहीं नो no problem. मैं नहीं जानती हूँ आई डोंट नो क्या तुम जानते हो डू यू नो इसे खाओ ईट दिस इसे पूरा खाओ ईट दिस अप पूरा खाने के लिए आप अप वर्ड यूज करेंगे ईट दिस अप दूध पियो ड्रिंक द मिल्क पूरा दूध पियो तो पूरा करने के लिए अगेन आप यूज़ करेंगे ड्रिंक अप द मिल्क धीरे चलो वॉक स्लोली तेज बोलो स्पीक अलाउड और यू कैन से स्पीक लाउडली बोल बोलकर पढ़ो रीड आउट बोल बोलकर पढ़ने के लिए हम बोलते हैं रीड आउट चिल्लाओ मत डोंट शाउट आकर मेरी गोद में बैठो कम सिट ऑन माय लैप पैरों को घसीट कर मत चलो डोंट ड्रैग योर फीट कल मुझे याद दिलाना रिमाइंड मी टू अपना सर सीधा रखो कीप योर हेड स्ट्रेट मुंह क्यों लटका रखा है वाई लॉन्ग फेस मुंह लटकाने के लिए हम लॉन्ग फेस यूज करते हैं क्योंकि जब हम मुंह लटका, ले तो लटका लेते हैं ऐसे मुंह लटका लेते हैं लंबा सा मुंह कर लेते हैं दैट्स व्हाई वी यूज व्हाई लॉन्ग फेस मुझे आपके नाखून काटने दो लेट मी कट योर नेल्स इंस्टेड ऑफ कट आप पेयर वर्ड भी यूज कर सकते हो पी ए आर ई -E. फेंकने से पहले पूछो आस्क बिफोर थ्रोइंग बासी खाना मत खाओ डोंट ईट स्टेल फूड सबसे आशीर्वाद लो टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरी वन सो गाइज आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हैं बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं मेक श्योर sure जब भी आप अपने बच्चे से बात करें या किसी से भी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑलवेज देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट वॉर गेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स